क्वेश्चन हमारा देख लीजिए कुछ इस तरह से डायग्रामेटिक क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग पिछले कुछ सीरीज में हम लोग क्या कर रहे थे, न्यूमेरिकल क्वेश्चन कर रहे थे, उसके बाद हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन और उसका ऑप्शन कर रहे थे, ठीक है। अभी हम लोग डायग्रामेटिक क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद मैं लेके आऊंगी ऐसा सीरीज जिसमें हम लोग असर्शन और रीजन वाले क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो ये जो डायग्रामेटिक क्वेश्चन है, अगर आपने चैप्टर को बहुत अच्छे से पढ़ा है, जैसे कि लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन मैंने पढ़ाया, आप डायग्राम को पढ़े हैं, उसका बेसिक कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है, तो ये क्वेश्चन में कोई भी दिक्कत नहीं आएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है पहला, कि देखिए इन द फॉलोइंग फिगर मार्जिनल प्रोडक्ट रीचेस इट मैक्सिमम, ठीक है। एमपी मार्जिनल प्रोडक्ट क्या है, एमपी है, जो कि क्या है यहाँ पे देख लीजिए, मैक्सिमम है एट अ लेवल ऑफ लेबर, जहां पे लेबर आपको क्या होगा, विच इज कंपेयर टू दैट एवरेज प्रोडक्ट, ठीक है। तो मार्जिनल प्रोडक्ट और एवरेज प्रोडक्ट की बात की जा रही है, आपका मार्जिनल प्रोडक्ट क्या है, मैक्सिमम है, तो आपको बताना है एवरेज प्रोडक्ट क्या होगा। समझ में आया, क्वेश्चन बोला गया एमपी इज, देखिए यहाँ पे एमपी क्या है, मैक्सिमम है, क्वेश्चन में साफ साफ लिखा हुआ है मार्जिनल प्रोडक्ट क्या है, मैक्सिमम है, तो एवरेज प्रोडक्ट बताइए क्या होगा, ठीक है। तो आप डायग्राम में देखिए, ये डायग्राम क्वेश्चन में गिवन है और ये ऑप्शंस गिवन, ठीक है। तो डायग्राम में देखिए मार्जिनल प्रोडक्ट देखिए ये है और ये हमारा एवरेज प्रोडक्ट, इस पॉइंट पे पॉइंट ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन रिटर्न्स, इस पॉइंट पे क्या लिखा हुआ है कि एमपी, एमपी यहाँ पे मैक्सिमम है, ठीक है। एमपी क्या है, मैक्सिमम है, लेकिन यहाँ पे देखिए एवरेज प्रोडक्ट क्या जा रहा है, ये लो ही है, लो है, मार्जिनल प्रोडक्ट से क्या है, ये छोटा है, ये मार्जिनल प्रोडक्ट है और ये है एवरेज प्रोडक्ट। यहाँ पे आप देखिए मार्जिनल प्रोडक्ट है मैक्सिमम, लेकिन एवरेज प्रोडक्ट क्या है, लोअर है, एवरेज प्रोडक्ट क्या है, लोअर है। तो इसका चार ऑप्शन है, लोअर, हायर, सेम या नॉट कंपेरेबल, ठीक है। तो आप देखिए अगर हम कंपेरिजन की बात करें, तो ये है हमारा क्या है, मार्जिनल प्रोडक्ट, ये मैक्सिमम है, इसके कंपेरिजन में एवरेज प्रोडक्ट क्या है, लोअर है। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, ए, आंसर इज ए, आपको समझ में आ गया, ठीक है। ये क्वेश्चन, ठीक है, आप लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन तो पढ़ चुके हैं, वहां पर आपका इंक्रीजिंग रिटर्न, डिक्रीजिंग रिटर्न, कांस्टेंट रिटर्न, इस टाइप के क्वेश्चंस थे, ठीक है। मतलब उसी के अंदर तीन स्टेज था, इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग और कांस्टेंट, ठीक है। तो अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा हमारा, इंक्रीजिंग रिटर्न से आएगा, लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न, ठीक है। इसमें आपको चार ऑप्शंस मिल गए हैं, आपको सही आंसर बताना है, ठीक है। और लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन की अगर हम बात करें, तो एक छोटा सा चीज अगर आप याद रखेंगे ना, तो आप बहुत सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं बहुत इजीली, ठीक है। तो आपको पता होगा कि कुछ ये डायग्राम था, मैंने छोटा सा यहाँ पे साइड में बना दिया, ये डायग्राम था और इसके जो स्टेजेस थे, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है इसकी स्टेजेस, ठीक है। जैसे कि इसमें तीन स्टेज था, इन स्टेज से क्वेश्चंस बार बार पूछे गए हैं, ठीक है। मैंने जितने भी क्वेश्चन पेपर देखे, मोस्टली में मैंने इन स्टेजेस से क्वेश्चन देखे कि जब टोटल प्रोडक्ट इंक्रीज होगा तो मार्जिनल प्रोडक्ट क्या होगा, टोटल प्रोडक्ट मैक्सिमम होगा तो मार्जिनल प्रोडक्ट क्या होगा, फिल इन द ब्लैंक्स लिख देते। तो ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ पर हम देख रहे हैं तीन स्टेजेस, देखिए अगर हम डायग्राम की बात करें, तो टोटल प्रोडक्ट जब इंक्रीज हो रहा है, तो आप देख लीजिए मार्जिनल प्रोडक्ट क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। टोटल प्रोडक्ट की बात करते, टोटल प्रोडक्ट मैक्सिमम हो गया यहाँ पे, यहाँ पे, तो देखिए मार्जिनल प्रोडक्ट क्या हो गया, ओरिजिन को टच किया, ये क्या हो गया, जीरो हो गया। अब हम देखिए टोटल प्रोडक्ट हमारा क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, टोटल प्रोडक्ट क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। देखिए यहाँ से यहाँ ये नीचे गिर गया, डिक्रीज हो गया, फॉल हो गया, तो मार्जिन प्रोडक्ट देखिए ओरिजिन से नीचे चला गया, नेगेटिव हो गया। तो ये तीन स्टेज आप जरूर याद करिए या याद रखिए, प्रैक्टिस करिए, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। जहाँ पे टोटल प्रोडक्ट इंक्रीज होता है, मार्जिन प्रोडक्ट क्या होता है, डिक्रीज होता है। टोटल प्रोडक्ट जहाँ पे मैक्सिमम हो जाएगा, यहाँ पे मार्जिन प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। और टोटल प्रोडक्ट यहाँ पे देखिए, यहाँ पे डिक्रीज होगा, तो मार्जिन प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, ओरिजिन से नीचे नेगेटिव हो जाएगा। यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब देखिए आप यहाँ पे देखिए ये क्वेश्चन, देखिए विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कर्व फॉर लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न। आपके पास
इतने सारे कर्व हैं, इसमें से आपको बताना है कौन सा कर्व है जो जो कि लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न का कर्व है। ठीक है, सिर्फ मार्जिनल प्रोडक्ट बोला है तो कैसे होगा, सिर्फ मार्जिनल प्रोडक्ट से तो होगा ही नहीं लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न, इसके लिए और भी कुछ चाहिए, तो ये तो रॉन्ग है। यहाँ पे टीवीसी टोटल वेरिएबल कॉस्ट की बात किया गया, तो यहाँ पे टोटल वेरिएबल कॉस्ट का कोई काम ही नहीं क्योंकि ये कॉस्ट चैप्टर नहीं है, तो ये भी रॉन्ग। अब देखिए इस डायग्राम में मार्जिनल प्रोडक्ट ऊपर है, एवरेज प्रोडक्ट क्या है नीचे, सही बात है। मैंने हम लोग ने अभी अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा कि मार्जिनल प्रोडक्ट क्या होता है, हायर होता है इस कंपेयर टू एवरेज प्रोडक्ट। शुरुआत में क्या होता है, एमपी हायर होता है इस कंपेयर टू एपी। तो ये हमारा लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न है, लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न का स्टेज, क्योंकि अगर हम बात करें इनिशियल स्टेज की, इनिशियल स्टेज में क्या होता है कि मार्जिनल प्रोडक्ट क्या होता है, हायर होता है इस कंपेयर टू एवरेज प्रोडक्ट। ठीक है, तो ये हमको क्या बोल रहा है, इंक्रीजिंग रिटर्न। इंक्रीजिंग मतलब क्या, इनिशियल स्टेज की बात करें सबसे पहले इंक्रीजिंग आता है, तो इंक्रीजिंग में क्या हो जाएगा कि एमपी पहले ज्यादा होगा इस कंपेयर टू एपी, तो ये एकदम सही है आपका, ये आपका करेक्ट आंसर है, आंसर इज ठीक है। ये मार्जिनल कॉस्ट बोला नहीं, ये तो गलत है क्योंकि हम लोग मार्जिनल कॉस्ट की बात नहीं कर रहे, तो ये भी रॉन्ग है, आंसर आपका क्या है सी। देखिए जो क्वेश्चन है ना, तो ये लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन के डायग्राम को अगर आपको याद है तो ये क्वेश्चन आप सॉल्व कर लेंगे। देखिए क्वेश्चन बोला गया व्हेन द टोटल प्रोडक्ट कर्व इज फॉलिंग, तो सबसे पहले क्या होगा कि आप यहाँ पे डायग्राम ड्रॉ कर लीजिए ताकि आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं हो, ये दोनों एक दूसरे के सामने सामने थोड़ा आगे बन गए। ठीक है, तो इसमें आप ऐसे करके एक टोटल प्रोडक्ट कर्व बनाइए टीपी। ठीक है, उसके बाद आपको बनाना है एक एमपी और एक बनाना है आपको एपी, तीन कर बन गया। आप देखिए यहाँ पे जो जीरो है ये ऊपर की तरफ जाएगा यहाँ पे, और एक और लाइन आप यहाँ पे ड्रॉ कर लीजिए। ठीक है, तो तीन स्टेजेस है यहाँ पे, फर्स्ट सेकेंड और थर्ड, ये हमारा लाइन थोड़ा सा खराब हो गया है। तो ये देखिए हमारा डायग्राम है, ठीक है, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन का। तो यहां पे आप एक चीज देख पा रहे हैं कि टोटल प्रोडक्ट इंक्रीज हो रहा है तो मार्जिनल प्रोडक्ट क्या है, डिक्रीज हो रहा है। टोटल प्रोडक्ट क्या है मैक्सिमम हो जा रहा है, तो मार्जिन प्रोडक्ट क्या हो जा रहा है, यहाँ पे MP is equal to zero. MP क्या हो जाएगा, zero हो जाएगा, ठीक ना। जब total product यहाँ पे fall करेगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, total product fall करेगा, तो marginal product की अगर हम बात करें, ये जो origin है उसके नीचे चला जा रहा है, मतलब कि ये negative हो जा रहा है। तो question में क्या बोला गया, when the total product curve is falling, जब total product curve मतलब कि ये fall कर रहा है, देखिए ये नीचे down fall कर रहा है, ये fall कर रहा है, तो मार्जिनल प्रोडक्ट है वो आपका नीचे की ओर चला जा रहा है, इसका मतलब ये क्या हो जा रहा है, नेगेटिव हो जा रहा है। तो इसका आंसर क्या होगा, जब टोटल प्रोडक्ट फॉल करता है तो मार्जिन प्रोडक्ट क्या हो जाता है, नेगेटिव हो जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका बी हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, तीन स्टेजेस तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैंने पहले भी बताया है, आप याद रखिए। ठीक है, देखिए जब टीपी, देखिए पहले होगा टीपी इंक्रीज हो रहा है, टोटल प्रोडक्ट इंक्रीज होता है तो मार्जिनल प्रोडक्ट क्या होता है, डिक्रीज होता है। ठीक है, याद रखिए टीपी इंक्रीजेस, मार्जिन प्रोडक्ट क्या होगा, डिक्रीज होगा, टोटल प्रोडक्ट मैक्सिमम हो गया, टोटल प्रोडक्ट क्या हो गया, मैक्सिमम हो गया, तो मार्जिन प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। जब टोटल प्रोडक्ट मैक्सिमम हो जाएगा तो मार्जिनल प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब यहाँ पे देखिए टोटल प्रोडक्ट क्या हुआ, फॉल किया, तो मार्जिनल प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, नेगेटिव। ये क्या नेगेटिव का साइन है, देखिए ये ओरिजिन से नीचे चला गया, इसका मतलब नेगेटिव हो गया। तो देखिए ये जो क्वेश्चन था ये इन्हीं स्टेज में से क्वेश्चन था, ठीक है, इसलिए ये सारी स्टेज याद रखें। मैंने इसके पहले जो क्वेश्चन कभी सॉल्व किया था उसमें
इससे क्वेश्चन पूछा गया था कि टोटल प्रोडक्ट जब मैक्सिमम होगा तो मार्जिन प्रोडक्ट क्या होगा। तो इस तरीके के क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं और इस चैप्टर से क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ की ये जो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन है, ये कौन सा है, लॉन्ग रन है शॉर्ट रन है, ये शॉर्ट रन है, बहुत इंपॉर्टेंट याद रखिएगा। ये भी पूछा जाता है कि ये लॉन्ग रन थ्योरी या शॉर्ट रन है, तो ये शॉर्ट रन है। और अब हम लोग मिलेंगे एक न्यू चैप्टर न्यू वीडियो के साथ। ये आज हम लोग का था लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन के कुछ क्वेश्चन हम लोग ने सॉल्व किए, कॉन्सेप्ट तो हम लोग पढ़ चुके हैं, साथ साथ अभी हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। तो UGC नेट के पेपर अभी करीब है, इसलिए हम लोग उसके प्रिपरेशन के लिए कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, ताकि मतलब जो भी स्टूडेंट है जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो एग्ज़ाम देने वाले, उनको बहुत ही बेनिफिट हो जाए, ठीक है, उनको थोड़ा भी बेनिफिट हो जाए तो बहुत है मेरे लिए। तो बस इसी के लिए आजकल हम लोग ये क्वेश्चंस कर रहे हैं, तो लगातार अभी ये क्वेश्चंस चलते ही रहेंगे। तो आप मेरे मतलब वीडियो के साथ मेरे ये चैनल और ये इकोनॉमिक्स के साथ जुड़े रहिए और पढ़ते रहिए, ठीक है, फोकस के साथ पढ़ते रहिए और बार बार रिवाइज करते रहिए, क्योंकि आप कितना भी पढ़ेंगे लेकिन आप भूल जाते हैं, क्योंकि आप उसको मल्टीपल टाइम्स रिवाइज नहीं करते। साथ साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, जहाँ से मिले सारे क्वेश्चंस को आप प्रैक्टिस करिए, जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आप बेटर होंगे। तो हम लोग मिलेंगे न्यू वीडियो न्यू चैप्टर के साथ।